पहला वर्ड है रेवरी। रेवरी का मतलब होता है आदर दिवा स्वप्न। पहला वर्ड है रेवरी। रेवरी का मतलब होता है आदर दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न का मतलब होता है दिन में सपने देखना। रेवरी मतलब दिवा स्वप्न, दिन में सपने देखना, ख्याली पुलाव पकाना। अब दिन में सपने मतलब वो नहीं होता कि सपना देखा, ख्याली पुलाव पकाना, ठीक है, दिवा स्वप्न कहता है। तो रेवरी को याद करो राबड़ी, राबड़ी देवी के साथ खाना खाना दिवा स्वप्न है। रेवड़ी राबड़ी, राबड़ी देवी बिहार की सीएम थी, है नहीं थी, लालू यादव की अपनी पत्नी है, ठीक है। तो रेवड़ी राबड़ी, राबड़ी देवी के साथ रेवड़ी खाना क्या है जी, दिवा स्वप्न है, ख्याली पुलाव है। अब तुम्हारे साथ नहीं खाएगी, बुढ़ी हो गई है, ठीक है। तो रेवड़ी राबड़ी देवी के साथ दिवा स्वप्न मतलब ख्याली पुलाव पकाना। नेक्स्ट बड़े फैसेट। फैसेट का मतलब होता है दिखावा, मुखौटा। फैसेट मतलब दिखावा या मुखौटा। फैसेट के बाद फसाद, जब दंगा फसाद होता है तो लोग मुखौटा लगा लेते हैं और एक नया चेहरा बना लेते हैं, तो फैसेड फसाद, दिखावा या मुखौटा। ब्लेमिश को याद करो दाग या धब्बा, ब्लेमिश दाग धब्बा, ब्लेम मिश, सारा ब्लेम किस पे लगा रहा है, मिश पर। ब्लेम मिश, सारा ब्लेम मिश पर, ब्लेमिश दाग या धब्बा, सारा दाग धब्बा कहां लगा दिया, मिश पर लगा दिया। पेंडेमोनियम का मतलब होता है कोलाहल शोरगुल। पेंडेमोनियम को याद करो पांडे जी हारमोनियम, 4 बजे भोर में उठ करके पांडे जी बजा रहे हैं हारमोनियम, पूरा मोहल्ला त्रस्त है, परेशान है, हल्ला गुला कर रहे हैं, तो पांडेमोनियम पांडे जी हारमोनियम बनाए, क्या कर रहे हैं, शोरगुल हल्ला गुला। सैक्रोसेंक्ट कहते हैं अति पवित्र को, पवित्र को, सैक्रोसेंक्ट। सैक्रोसेंक्ट को याद करो सैकड़ों संत, संत कहते हैं तपस्वी को, संत लोग जो होते हैं, सैकड़ों संत लोग क्या होते हैं, पवित्र होते हैं, अति पवित्र होते हैं, बिल्कुल। सैक्रोसेंक्ट याद करो सैकड़ों संत, जो संत लोग होते हैं क्या होते हैं, दिल के बड़े पवित्र होते हैं। जबकि राम रहीम की बात करेगा, आशा राम की बात करेगा, तो वो सब संत नहीं है। देखो जहां आत्मा है वही दुरात्मा है, जहां भगवान है वही दानव है। इंडिया संतों का देश रहा है, इंडिया भगवान का देश रहा है, तो जहां भगवान होंगे वही राक्षस भी होगा, तो यहां रावण का भी देश रहा है नहीं। तो जहां अच्छे लोग, अच्छे का पहचान तभी है जब बुरा है, राम की महिमा तभी है जब रावण है, कृष्ण हुआ तभी जब कंस है, बात को। तो हर अच्छाई के पीछे बुराई, तो संत अच्छे हैं तो बुरे भी हैं, तो आसाराम सब क्या हो गया, बुरा हो गया, तो कोई ना कोई संत तो अच्छा जुड़ रहा होगा, है ना। नानक देव बहुत संत अच्छे रहे हैं। मैलेडी कहते हैं, हो गया, मैलेडी कहते हैं रोग बीमारी को। मालाडी एक टेबलेट आता है जो खाया जाता है, तो मालाडी खाओ बीमारी पैदा करो, बीमारी ठीक थोड़ी हो सकते हो, बीमारी पैदा करता है वो, मालाडी नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है म्यूटिलेट। म्यूटिलेट का मतलब अंग भंग कर देना, अंग भंग का मतलब होता है काट छांट कर देना। म्यूटिलेट को याद कर लो, लेट हो गया तो क्या करो उसको, अंग भंग कर दो। नेक्स्ट बड़े फाल्टर मतलब लड़खड़ाना, फाल्टर लड़खड़ाना। जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो फॉल्ट करता है, जब गलती फॉल्ट कोई करता है तो क्या करता है, लड़खड़ाता है, उसकी बोली फंसती है, तो फाल्टर फॉल्ट, फॉल्ट किया है लड़खड़ा रहा है, तो फाल्टर मतलब फॉल्ट किया लड़खड़ा रहा है, गलती कर दिया। इसको कनीड मत पढ़ना, नीड, नीड का मतलब मालिश करना। अब नीड को याद करो नीड से, अब देखो नीड का मतलब जरूरत भी होता नहीं होता है, अब के हट ऐसे कर, नीड, नीड मतलब जरूरत। तो मसाज की जरूरत सबको होता है, हर ज्यादा जब मसाज करवा ले, तो नीड मतलब मालिश करना, मसाज करना, तो नीड, नीड मसाज की नीड सबको होती है। शक्कर, शक्कर का मतलब होता है राहत पहुंचाना, राहत देना को हम शक्कर कहते हैं। शक्कर मतलब राहत देना, राहत पहुंचाना। शक्कर को याद करो शक्कर, शक्कर कहते हैं चीनी को। अब कोई पड़ोसी तुमसे शक्कर मांगने आया कि भाई मेरे यहाँ गेस्ट आया, जरा शक्कर दे दो, तो शक्कर दे क्या कहते हो, राहत पहुंचाते हो, जाओ पिलाओ चीनी, है ना। तो शक्कर मतलब राहत देना, ठीक है। कुछ कुछ याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, दो चार अगर मान लो 15-20 में अगर एक वर्ड भी याद हो गया, हो गया, बोलो रेबरी, रेबरी दिवा स्वप्न, रेबरी राबड़ी देवी के साथ
रेबड़ी खाना, ख्याली पुलाव, रेबड़ी, ख्याली पुलाव, फैसेट, दिखावा, फैसेट, दंगा फसाद, मुखौटा, फैसेट, फसाद, फैसेट, मुखौटा, ब्लेमिश, दाग धब्बा, ब्लेमिश, सारा ब्लेम, मिश पर, ब्लेमिश, दाग धब्बा, पैंडेमोनियम, शोरगुल, पैंडेमोनियम, कोलाहल, पैंडेमोनियम, पांडे जी हारमोनियम बजाके, शोरगुल करना, सैक्रोसैंक, अति पवित्र, सैक्रोसैंक, पवित्र, मेलाडी, रोग बीमारी, मेलाडी, रोग बीमारी, मेलाडी, रोग बीमारी, म्यूटिलेट, अंग भंग करना, म्यूटिलेट, मोटिलेट हो गई, अंग भंग करना, फाल्टर, लड़खड़ाना, फाल्टर, फॉल्ट करके लड़खड़ाना, नीड, मसाज की नीड, नीड, मसाज करना, शक्कर, राहत पहुंचाना, शक्कर, शक्कर खिलाकर राहत देना, पेज पलटो। अब क्या लिखा, स्किन, लेदर मतलब चमड़ा, पास्चर, मीडो, चारागा, या भैंस भैंस चरता है ना उसको चारागा बोलते हैं, तो पास्चर या मीडो। चरित्र कहते हैं कैरेक्टर को या कंडक्ट को, चाल चलन को गेट कहते हैं, मैनर कहते हैं, ट्रिक कहते हैं, स्पीड कहते हैं, तो सबका अलग अलग सेंस होता है। वर्ड्स और गेटिंग स्टाइल, चलने का अंदाज को चाल कहते हैं, सेम चीज है, दोनों का खेत होता है। चारागाह मतलब खेत, खेत मतलब जहां घास पास उगता है ना उसको मीडो कहते हैं। बकरी गाय भैंस जहां चरती है, कहां ये स्किन अलग है, लेदर अलग है, ठीक है। तो ये था वोकैबुलरी, वोकैब पर कोई टेस्ट बेस्ट तो नहीं आज है, नहीं मिला है तो आज करवाने के लिए बोला था, नहीं बोला था मतलब टेस्ट करना है आज, कौन सा टेस्ट है, है? नाइन करो, निकालो, थोड़ा करियो लो टेस्ट, उसको दिक्कत नहीं। थ्री नाइन, पहला क्वेश्चन देखिए, सबके पास है ना बालक, तो नहीं है तो फिर देखो यहां पे। पहला क्वेश्चन, देयर इज नो डिनाइंग दैट द एंजॉय टू लिसन द रेडियो नोइरर। यहां देखिए आप लोग इसको पढ़े नहीं हो अभी, पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा सी। सी क्या हुआ, ध्यान दीजिए, इंजॉय एक ऐसा शब्द है, दो चार बार ध्यान दीजिएगा, इंजॉय एक ऐसा, जो बच्चा वर्ब पढ़ा होगा जो पता होगा, इंजॉय, अवॉइड, लाइक, फॉरगेट, ये सब ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ हमेशा जेरंड का प्रयोग किया जाता है। इंजॉय के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है, इंजॉय लिसनिंग, अवॉइड के बाद आईएनजी आता है, लाइक के बाद आईएनजी आता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इंजॉय के बाद टू लिसन ना हो के क्या हो जाएगा, लिसनिंग, क्या हो जाएगा, लिसनिंग, कोई दिक्कत। दूसरा, इन अनलेस यू डू नॉट, अनलेस के साथ नॉट प्रयोग होगा, जो पढ़ा है वो तो बन जाएगा तुमसे, तो यहां पे डू नॉट दोनों कट जाएगा। अनलेस यू टेक इन अ बिट टू, टू के साथ हमेशा विवन आता है, तो बिट टू मेकिंग नहीं होगा, बिट टू मेक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चार, द बिल वॉज ड्राफ्टेड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड सबमिट टू द गवर्नमेंट। अब देना है सारा सब्जेक्ट तुम्हारा जो है वो मतलब एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे सबमिट ना होकर सबमिटेड हो जाएगा, पास्ट का भाव भी आएगा,
ठीक है, द बिल वाज सबमिटेड, क्या हो जाएगा सबमिटेड, क्योंकि वाज के पहले क्या है ड्राफ्टेड है, तो उसके बाद एंड जुड़ा है, तो एंड के बाद भी टेंस सेम होना चाहिए, तो यहाँ देखिए वाज के बाद क्या है ड्राफ्टेड है, तो यहाँ पे क्या हो जाइए सबमिट नहीं सबमिटेड, तो एंड से पहले जो क्लॉज होता है एंड के बाद भी, यह लाइन शायद लिखवाया गया होगा, एंड के बाद जो टेंस होता है एंड के बाद भी वही टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर पांच, पांच के बच्चे ऑनलाइन, क्रांतिकारी तुमसे बात कर रहा हूं, एवरीथिंग ओके, बहुत सुंदर, ठीक है, बस क्वेश्चन बनाइए। पांच नंबर, वी आर वर्किंग क्लोजली विथ इंडिया, फाइंड वेज टू, टू के बाद हमेशा भी बनाता है, तो टू के बाद प्रमोट, टू को हमेशा विवन, टू एक ऐसा वर्ड है ध्यान दीजिएगा, टू के ऐसा वर्ड है जो हमेशा विवन को लेता है, टू के बाद अगर आपने वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव लगाया तो गलत होगा, ठीक है। पहला में आ जाइए, आई द डोर बिफोर, बिफोर के बाद देखिए टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है, तो आपको क्रू दिया था कि बिफोर के बाद पास्ट मिल जाए तो आगे हेड प्लस वी थ्री, बिना हिंदी, हिंदी तो सोचना ही नहीं क्या होता है, जो वर्ड का हिंदी नहीं आता डिक्शनरी सर्च कीजिए, आप अपना काम कीजिए, लेकिन क्वेश्चन बनाइए तो इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाइए, टू कह रहा है तुम्हारा ही बोथ हैंड्स एज हाई एज ही कोल्ड अबव हिज हेड, तो एज आई कोल्ड अबव द हेड, अब कुड है कुड, अब कुड तुम्हारा पास्ट है, तो पहले क्लॉज क्या होगा पास्ट होगा, तो ही रेज्ड, तो दूसरे का आंसर डी फॉर डीएसएल, डी फॉर। क्वेश्चन नंबर थ्री, सून द किंग बिगेन टू लाइक हिम बिकॉज ही, अब बिगेन बिगेन दिया पास्ट टेंस, तो आगे ही पास्ट होगा, तो कुड टेल हो जाएगा बी फॉर बॉय, तीसरा का आंसर बी फॉर बॉय। चौथे में आ जाइए, चार कह रहा है वे नीलम हैड, नहीं सिंपल पास्ट टेंस, हैड तब आएगा जब बिफोर लगा रहेगा, तो वे नीलम रिसीव्ड हर फर्स्ट पे शी और सी बॉट प्रेजेंट फॉर द पेरेंट, कॉमा लग दिया है ना, तो हैड नहीं होगा रिसीव्ड हो जाएगा बी फॉर बॉय। पांचवा का आंसर आई कैन नॉट गो बैक अंटिल का प्रयोग किया है, तो अंटिल प्रेजेंट टेंस में दो सेटल्स, तो पांचवा का बी यहां हो जाएगा बी, क्लियर। चलिए और कुछ टेस्ट मिला है क्या, नहीं मिला है, तो धीरे धीरे आगे टेस्ट मिलता रहेगा, काम होता रहेगा, घबराए नहीं। टेस्ट कौन सा है बेटा, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में कॉमन एरर स्टार्ट हो चुका है, कितना रूल हो चुका है, यानी आज का क्लास सबसे खास है, आज सिंपल पास्ट समाप्त हो जाएगा, आज सिंपल पास्ट खत्म हो जाएगा, और खत्म होने वाला स्टार्ट क्या होगा पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन आज नहीं होगा कल होगा, आज सिंपल पास्ट समाप्त हो जाएगा, क्या बाबू बाबू कोई दिक्कत ना, आजकल दो चार दोस्तों के बीच में घूम रहे हो, क्या बात है, कल देखे थे इसको चार पांच लोगों के साथ मस्ती मार रहा है रात में साढ़े सात आठ बजे, था कि नहीं तुम, सबको देख रहा हूँ कौन क्या कर रहा है, मार्केट नहीं था, मार्केट से बाहर था, तू खड़ा होके चार पांच रोज मीटिंग कर रहा था, था कि नहीं था, चार पांच बजे कहीं खड़ा होगा ना, चलो आ जाओ, तो सिम देखिए अब जो कॉन्सेप्ट हो रहा है आपका खतरनाक रूप शुरू हो रहा है, ये हो गया था तक, अब अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा खतरनाक है, इसको हम अलग से पढ़ाते हैं, यहाँ पे आपको लिखा, यहाँ पे आऊंगा वापस,
लेकिन पहले मैं समझा दूं क्या होता है बच्चे की सिंपल पास्ट टेंस जो है, तो पढ़ाना कॉन्सेप्ट, सिंपल पास्ट टेंस जो है ये सिंपल पास्ट टेंस हैबिचुअल एक्शन के साथ प्रयोग होता है, ध्यान देना। यानी सिंपल पास्ट का प्रयोग हम लोग पास्ट हैबिट में करते हैं, पास्ट हैबिट में इसको समझना है। आदत दो तरह का होता है, एक पास्ट और एक प्रेजेंट। फ्यूचर में आदत हो ही नहीं सकता, ये फ्यूचर तुम्हारे पास है ही नहीं। मौसम बहुत गर्म है तो प्रेजेंट की आदत हो सकती है, या तो पास्ट में तुम्हारी आदत कोई थी जिसका तुम शिकार हो। नहीं, शराब कोई पीता है तो आज उसको आज ही पिया है, तो क्या आदत, तो पास्ट में पी रहा होगा। ये हो सकता है कि पास्ट में पिया फिर छोड़ दिया होगा, दो चार साल पिया फिर छोड़ दिया, तो आदत किसकी थी, पास्ट की। तो पास्ट की आदत, पास्ट हैबिट के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। हिंदी में बोलते हैं किया, करता था, किया करता था, वह शराब पिया करता था, मैं उसे मिला करता था, वह सिगरेट पिया करता था, मैं वहां जाया करता था, तो बोलो पास्ट आदत हुआ कि नहीं हुआ। तो किया करता था के लिए हम एक सेमी मॉडल्स का प्रयोग करते हैं, और वर्ड आता है यूज्ड टू। यूज्ड टू को हम सेमी मॉडल्स बोलते हैं, जो पास्ट के हैबिट को शो करता है। राइट, टू आ गया तो वर्ब का और अदर। अब तुमको जहां भी पास्ट की हैबिट, किया तो हिंदी हो गया, पास्ट हैबिट जहां बोलना हो वहां तुम यूज्ड टू का प्रयोग कर सकते हो। आई यूज्ड टू गो देयर, She used to come here, he used to drink, he used to smoke, सबका हिंदी हुआ सिगरेट पिया करता था, दारू पिया करता था, वहां जाया करता था, ये पढ़ा करता था, ये सोया करता था, बोलो क्या पति। अब इसी किया करता था के लिए एक वर्ड और आता है, और वो है would। क्या है, अब इसका भी हिंदी होता है किया करता था, किया करता था, इसका भी हिंदी होता है किया करता था, इसका भी हिंदी है किया करता था। अब प्रश्न उठता है कि इसका भी हिंदी है किया करता था, किया करता था, तो मामला कैसे सेट होगा भाई। तो किया करता था बुड का दोनों तो सेम हो गया, फिर तो अंतर क्या है वो समझना है। तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं, स्ट्रक्चर किसका होगा वुड प्लस वी वन प्लस दैट वर्ड। अब हमने बोला कि मैं वहां जाया करता था, क्या बोलूं, तो आप दोनों बोल सकते हो, आई यूज्ड टू गो देयर या आई वुड गो देयर, दोनों का हिंदी सेम होगा। अब अंतर क्या है वो सुनो, मैं वहां जाया करता था और दूसरा बोला मैं वहां रोज जाया करता था। अब रोज जाया करता था तो रोज एक नया वर्ड आया कि नहीं आया, मैं वहां प्रतिदिन जाया करता था, मैं वहां हमेशा जाया करता था, मैं वहां प्रायः जाया करता था, मैं वहां कभी कभार जाया करता था, मैं वहां शायद ही जाया करता था, तो पांच सात नया वर्ड आया कि नहीं आया। तो यहां पे जो नया शब्द होता है वो उड के बाद लगाते हैं, जैसे ऑलवेज है, ऑफन है, सेल्डम है, रेयरली है, यूजुअली है, जनरली है, वर्ड यहां पे आ जाएगा, डेली है, एवरी डे है, ये सब यहां पे आ जाएगा। तो जो कहा वो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया तो वापिस इसको खोल रहा हूं, यहां से लिखने का प्रयास करो। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज विथ पास्ट हैबिचुअल एक्शन। अब देखो कितना सुंदर लिखा हुआ है, इसको तुम कहां प्रयोग करोगे भाई, तो इसका प्रयोग करना यहां पे वुड के बाद। इसका प्रयोग अदर वर्ड में नहीं, इसका प्रयोग सेंटेंस के लास्ट, ठीक है। ये चीज तुमको नया मिल गया, हाँ
ये मॉडल्स हो गया, सही मॉडल्स हो गया। हाँ उसको नहीं दिया गया, वो किया कर का भाव नहीं देता वो। कोई आपत्ति? समझ में आ गया? बहुत सुंदर। अब यही बात ध्यान रखना है कि ये शब्द नया आ गया, तो आप अगर वुड का प्रयोग करें तो इस शब्दों का प्रयोग करें ज्यादा अच्छा होगा। अब प्रश्न उठता है, सुनिए नया कहानी, अभी एग्जाम्पल बहुत कम दे रहा हूं, नया कहानी सुनिए थोड़ा सा। यहां सोचिए, यहां से नहीं, क्योंकि दिमाग धोखा दे सकता, दिल नहीं। अब नई बात सुनिए, हमने बोला मैं वहां जाया करता था, मैं वहां जाया करता, ये लाइन तुमको सही लग रहा होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द लैंग्वेज, नेचर ऑफ द सेंटेंस, आप देखें तो ये सेंटेंस गलत है। कैसे सर, कैसे गलत है? सही तो लग रहा है, मैं वहां जाया करता था, लेकिन मैं वहां जाया करता था तुम तभी बोलेगा क्योंकि जब तुम्हारे पास कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा, जब कोई ना कोई कंटेंट होगा। क्योंकि तुम वहां जाया करते, तुम क्यों बोल रहे हो? तुम ये कहना चाहते हो ना कि जब मैं दिल्ली में था तो वहां जाया करता था, मैं डीएसएल पढ़ा करता था कब, जब तुम दिल्ली में थे, वह शराब पिया करता कब, जब इलाहाबाद में था। बने अगर अगर कोई आज भी शराब पीता है तो ये तुम बोलोगे कि वो शराब पिया करता था? आज भी पी रहा है तो लोग पीता है, क्या बोलोगे? पीता है, पिया करता है, पिया करता था। तुम तभी बोलेगा जब उसका एक्शन पास्ट का होगा, आज फिलहाल तुम्हें पता नहीं है या तो नहीं पीता है। ये बात समझ में आया? जब तुम ये लाइन बोलते हो कि वह शराब पिया करता था, इसका मतलब है कि या तो वो पीता था, तुम्हें पता था पीता था, लेकिन आज वो पीता है कि नहीं तुम्हें पता नहीं है, या तुम जानते हो कि आज नहीं पीता है। ये बात छुपा नहीं छुपा, जल्दी बोलो। तो अगर हम बोलते हो शराब पिया करता था, तो इसमें एक लाइन बोलो छुपा है कि नहीं छुपा है, यानी सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो जितना भी किताब तुम पढ़ते हो, मास्टर पढ़ाता है, सब बुक का क्या पढ़ाता है? इनकम्प्लीट पढ़ाता है, गलत पढ़ाता है। इतना ही पढ़ा के छोड़ देगा तुमको, इतना ही पढ़ा के। जबकि तुम जब से भारत को मिली है आजादी, जब से कंपटीशन शुरू हुआ है, तुम पेपर उठा लो, तुमको यूज टू से एग्जाम में क्वेश्चन सिंगल मिल ही नहीं सकता। जब भी मिलेगा तो डबल क्लाउज में ही मिलेगा, सिंगल क्लाउज में एग्जाम पूछ ही नहीं सकता, केस कर दूंगा उस पर। धर्मेंद्र से बैठे हुए
पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि यूज टू का प्रयोग अकेले करना संभव नहीं है। तो किताब और मास्टर बस इतना ही तुमको पढ़ाएगा, अगर नए यकीन आए तो हजारों मास्टर कॉपी चेक कर लो, तुम पढ़ा हुआ चेक कर लो, बस पढ़ाएगा यूज टू प्लस वन किया करता था, राम जाया करता, राम यूज टू गो, राम यूज टू कम, राम यूज टू, तुम भी खुश वो भी खुश, एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाएगा, पढ़ पा रहे हो। अब एक्स्ट्रा दिमाग यहां कहता है बेटा कि यूज टू और वुड का प्रयोग अकेले नहीं करेंगे, डबल क्लॉज के साथ करेंगे। देखो इतिहास शुरू हो गया अंग्रेजी का, ये चीज मिलेगा किताब में मास्टर की, हाँ सिर्फ डीएसएल कॉपीराइट। ये देखो क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट कह रहा है कि सेंटेंस स्टार्ट किया हमने वेन से, कि वेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नाउन, हमने क्या लिखा यूज टू प्लस मदर वर्ड, क्या शो कर दिया रेगुलर हैबिट। जब रेगुलर मतलब कोई नियम नहीं रेगुलर, जैसे वह शराब पिया करता था जब दिल्ली में था, कहीं क्वेश्चन है दिमाग में अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, भाई शराब कब पीता था, आज का हमको पता नहीं है, पीता होगा चाहे नहीं पीता होगा, तुमने क्या बोला जब दिल्ली में था तो शराब पिया करता, जब मैं दिल्ली में था तो डीएसएल में पढ़ा करता था, जब मैं दिल्ली में था तो वहां जाया करता था दिल्ली पटना में, तो जो बोलो ठीक है, जब मैं दिल्ली में था तो कभी कभार शराब पिया करता था, कब पीता था, तो इसमें कभी कभार सिखा दिया पहले ना, जोड़ लोगे, जब वो अमेरिका में था कभी कभार नाश्ता लिया करता था, जब मैं दिल्ली में था तो कभी कभी सुबह उठ जाया करता था, बात को और कुछ ना बुझाए तो एस प्लस वी टू नॉर्मल, जब दिल्ली में था तो पीता था, कभी कभार पीता था, पिया करता था, तीनों है सेम, हिंदी सेम है तो अंग्रेजी अलग अलग है, भाव अलग अलग है, देखा है तुम एक ही है, देखा जाए एक व्यवहारिक ज्ञान से एक ही है, लेकिन लैंग्वेज का तरीका बोलने का अलग अलग, यानी एक ही वाक्य को तुम तीन तरह से बोल सकते हो भाव के आधार पर, पकड़ में आ, अब चापो इसको दोबारा, कहीं खोया हुआ था, अरे बेटा ये बोला कि जब मैं दिल्ली में था, जब मैं पटना में था, तो वो बोला तुम्हारा मित्र रहता मालूम पटना में, तो तुम क्या बोलोगे, जब वो पटना में था ना सर, तो सिनेमा देखा करता रिजेंट में, क्या था सिनेमा देखा करता रिजेंट में, जब पटना में था तब, अब आज की कहानी पता ही नहीं, तो जब वेन ही वॉज इन पटना, जब पटना में था ही यूज टू वॉच मूवी इन रिजेंट सिनेमा हॉल, कभी कभार सर, तो ही वुड वॉच मूवी, ही वुड समटाइम्स वॉच मूवी, ही वॉच्ड मूवी, है ना, ओके हाँ, सिंगल तो बोल सकते हैं, स्पीकिंग सब एवरीथिंग इज फाइन, हाँ स्पीकिंग पर्पस से पा रहा हूं, ये पूरा डेप्थ जा रहा है तुम लोगों का, बाकी तो स्पीकिंग हमेशा होता है सिचुएशनल। इतना पढ़ने के बाद क्या स्पीकिंग, क्या राइटिंग, क्या ग्रामर, तुम्हारे सामने आदमी खड़ा हो जाएगा, कांप जाएगा, सुनो इतने धूप में तुम लोग आ रहे हो, क्रांति ना है जी, तुम लोग बेटा अमृत मिल रहा है ना, तुमको एहसास नहीं हुआ इस अमृत का, क्योंकि व्यक्ति जब रोज अमृत खाता है तो वैल्यू खत्म हो जाता है, क्योंकि हर दिन क्लास है वाव क्लास, एक भी क्लास बता दो ऐसा जो तुमको बोर लगा हो क्लास में, ये अलग बात, धूप में तप के आते धुआं उठा के आते हो तो थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है, ठीक है उतार लिया, एग्जाम्पल दिया हूं देख लो, हम लोग कभी कभी यहां आया करते थे, वी वुड समटाइम्स कम हियर, कहां बेटा, हाँ अरे नहीं ओहो तुम कहां खो गए, अरे ये सब ये एरो जो है पूरा के लिए एरो, ये वर्ग के लिए एरो नहीं है और वाज के लिए एरो नहीं है, एरो किसका, इसके लिए एरो नहीं है, पूरा के लिए एरो है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, यहां से लेकर के यहां तक का एरो रेगुलर, यहां से लेकर के यहां तक का एरो, ऐसा मत सुनना कि वर के लिए वर में आया है, नहीं, 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 इतना पढ़ाने के बाद भी गलती कर तुम्हें कर देगा, ये वाज व्यर्थ को मतलब नहीं है,
हाँ अब तुम समटाइम्स में वुड लगा गलत हो जाएगा, यूज टू गलत हो जाएगा, यही तो कॉमन एरर है। हाँ? उड़ी तो लगा है समटाइम्स में। अरे पूछ तुम अपना ध्यान, अब तो इस पर ध्यान दे रहा है, तुमको समझ में आ गया ना, तो कंफ्यूज क्यों हो रहा है फिर? ये वुड आएगा इस इसके साथ समटाइम्स आएगा, यहां लगा देंगे तो गलत हो जाए। शुड, यू शुड, वुड की जगह नहीं, जो पास्ट का हैबिट होता है वो वुड ही दिखाता है, शुड कुड माइट नहीं दिखाता। हो गया सारे बच्चे लिखे एग्जाम्पल के साथ, कोई दिक्कत एग्जाम्पल में बोलो जल्दी से। हैं कॉमन लगा सकते हो, बाकी दिक्कत है नहीं, है ना? ये तो सिंगल स्ट्रक्चर है ना, ऊपर वाला तो सिंगल है, नीचे वाला डबल स्ट्रक्चर देखो। जब मैं पटना में था तो रोज मंदिर जाया करता था, हाँ लिखो, वेन आई वॉज इन पटना कॉमा आई वुड गो टू टेम्पल डेली। ये देखो तीन एग्जाम्पल नीचे दिया हूं, एक ही एग्जाम्पल तीन एग्जाम्पल दिया हूं, देखो सिंगल भी दिया हूं, डबल भी दिया हूं, ट्रिपल भी दिया हूं। हर तरह का एग्जाम्पल तुमको दिया गया है। आराम से लिखो, सबसे बेस्ट बैच के रूप में एक वे जाना जा रहा है। कहाँ बेटा? हाँ कितने नंबर में? फर्स्ट में। वेन आई वाज इन दिल्ली आई यूज टू टेक ब्रेकफास्ट विद टी, आई यूज टू, टू छूट गया है ना, डाल दो ऑनलाइन बेटा, टू जहां भी जहां गड़ मिले छाप दो उसको, जहां गड़ मिले ठीक करो उसको, टाइपिस्ट भाई। यहां पे यूज के साथ टू लगाइए, यूज टू, ठीक है। हाँ हो गया, चलिए आगे बढ़े। पता नहीं इसको, मतलब एक ही एग्जाम्पल में तीन दे दिया हूं ताकि बार बार लिखना पड़े। हो गया जल्दी करो बेटा, जल्दी करो फटाफट। तो यूज टू के साथ हमेशा क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रहेगा। अब देखो यूज टू के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी आ सकता है, ये देखो नया स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज ए मार वाज। अब यहां दो, इज ए मार का मतलब करना प्रेजेंट और वाज में करना पास्ट, ये तुम्हारा वी टू कहलाएगा और ये तुम्हारा वी वन या वी फाइव कहलाएगा। अब क्या है, यूज टू, अकस्टम टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, तो ये सेंस क्या दिखाता है सर? तो दो तरह का सेंस दिखाता है, एक तो पैसिव सेंस दिखाता है, क्या दिखाता है,
और एक एडिटिबल सेंस दिखाता है। इजे मार के बाद एडिटिव भी आता है और इजे मार भी भी आता है। बात को अब प्रश्न उठता है कि इसके बाद जो वर्ड है वो भरो का फोर्थ फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म को हम जीरेंड कहते हैं क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होता है और ये सबका मतलब होता है लत होना। ऐसा कि एरो यहां से इसका मतलब सबका मतलब चार को क्या होता है लत होना। लत का मतलब होता है गुलाम होना। गुलाम आपके दिमाग में जो काम चल जाए, आपके दिमाग चल जाए के बिना नहीं रहना, के बिना न रहना, के बिना मुझे तो तेरी लत लग गई, लत लग गई, पकड़ पा रहे हो ना। तो जहां भी आपको लग रहा मुझे चाय की लत लगी है, चाय पीने का आदि हूं, चाय गुलाम हो, चाय पीने की आदत है, आई एम यूज टू टेकिंग टहलने का आदि, आई यूज टू वॉकिंग इन द मॉर्निंग, तब हजार बना सकते हो। ये नहीं कि मैं दो एग्जाम्पल दे तुम बंध जाओ, 50 लिखो। हाँ यूज टू करो ना, देखिए प्रतिदिन आ गया बेटा, तो प्रतिदिन के लिए डेली बढ़ाएगा ना, और डेली कहां लगाते हैं वुड के साथ, वहां तुम वेंट लगा सकते हो लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा वुड लगा दो, बाकी यूज टू तो नहीं आएगा ना। हाँ वाज पर वी टू है, जब चाय पीने का आदि था तो आई वाज यूज टू गेटिंग, चाय पीने का लत था है जी, उसे चाय की लत थी, ही वाज यूज टू या ही वाज अकस्टम टू, ही वाज एडिक्टेड टू, ही वाज हैबिटुएटेड टू, लेकिन ठीक ये नया स्ट्रक्चर है बियॉन्ड द बुक। हाँ यूज टू की जगह तीन और दे दिया तुमको। देखो ये लत में ज्यादातर ये प्रयोग होता है, जैसे कि इसका लत नेगेटिव वर्ड हो ना, शराब की लत है, चाय की लत है, स्मोकिंग की लत है, सिगरेट की लत, तो उसमें एडिक्टेड लगा दो। एडिक्शन का मतलब होता है बिल्कुल ही शिकार हो जाना, नहीं तो उसका एडिक्शन है, मतलब के बिना रह नहीं सकता, एडिक्शन लगा हुआ है ना। और आदत तो देखो कोई भी वो हमेशा बुरा होता है बेटा, आदत वर्ड ही बुरा है, चाहे वो पढ़ाई की आदत लग ही नहीं सकती, अच्छे चीज की आदत लगती ही नहीं है, तो नियम है, लग जाए तो महान बन जाता है जैसे आइंस्टीन को लगा था, फिर लग जाए तो वैज्ञानिक बन जाएगा, महान बन जाएगा, तुम्हारा नाम सुराक्ष लिखा जाएगा बिल्कुल। समझ पा रहे हो सब लोग, तो मुझे चाय की लत लगी है, आई एम यूज टू टेकिंग टी, उसे शराब की लत लगी है, ही इज एडिक्टेड टू वाइन, शराब बोलेंगे तो वाइन और पीने की लगे तो ड्रिंकिंग, ये ध्यान देना। इसके साथ तुम बिफोर के स्थान पे नाउन भी लगा सकते हो, जैसे मान लो को बोला पत्नी की लत लगी है तो एडिक्टेड टू वाइफ हो जाएगा वहां पे, फिर वहां पे वाइफिंग नहीं होगा, नाउन वर्ड। चलो सारे बच्चे मन से पढ़िए ऑनलाइन, कमेंट अभी नहीं दिया गया है मेरे में, दिख रहा अभी वहां हॉल शो कर आ जाएगा, ठीक है, उल्टा पुल्टा लिख रहा है। हाँ? अब साथ पे आते हैं हम, एग्जाम्पल हो गया सबका, आगे बढ़े, ठीक है, चलिए
बहुत सिंपल, आगे देखिए, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस। मुझे बताओ सिंपल प्रेजेंट टेंस में कंडीशनल पढ़ा नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना। कंडीशन तीन तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट में क्या था, पढ़ा दिया था। तो यहां देखो सिंपल पास्ट कंडीशनल क्या करते भाई, तो पहला यदि इफ का प्रयोग किया गया हो तो वी टू का, तो आन विल कर आते हैं वुड प्लस If के साथ वर लगाते हो तो उड प्लस भी बन, लेकिन ऊपर वाला है जस्ट पास, नीचे वाला है अनरियल। अनरियल मतलब क्या है, रियल हो ही नहीं सकता। यदि मैं चिड़िया होता, यदि मैं पीएम होता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, होते कभी नहीं होते। और ये तो कह रहा कि यदि तुम पढ़ते तो पास करते, मतलब इसमें गुंजाइश है, इसमें गुंजाइश नहीं, इसलिए वो जस्ट पास है और ये अनरियल है। पकड़ में आया? है? एक बार और, ये तुमको सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा था बेटा कि जब कोई सिंपल पास्ट अनकंडीशनल, मतलब कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाला। अब शर्त क्या है, यदि तुम पढ़ते तो पास करते शर्त है कि नहीं, यदि तुम मुझसे मिलते तो मैं तुम्हें पढ़ाता शर्त है कि नहीं, यदि तुम उसके पास जाते तो वह तुमको पीटता शर्त है कि नहीं। तुम कोई बोल देगा ये तुम जाते ना तो पीटता, तो जाओगे कभी? तो सुधार है कि नहीं, इसमें सुधार हो नहीं हुआ? यदि तुम मेरे पास आते तो मैं पढ़ाता, सुधार है कि नहीं? तुम क्या कहोगे, सर आ जाता हूं सर कल से। मान लो तुम एडमिशन लेकर के या इंक्वायरी लेकर तुम चल जाते, अब आते साल भर बाद कि सर रिजल्ट नहीं हुआ, तो मैं क्या कहता, आते पढ़ते रिजल्ट होता, तो फिर से मौका है सुधरने का, है ना? फिर तुम आए सर आप पढ़ता हूं सर रिजल्ट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो क्या हो गया पहला वाला कंडीशन, इफ यू कम, इफ यू ज्वाइंट द डीएसएल यू वुड गेट एनी काइंड ऑफ रिजल्ट। और ये कह रहा है यदि मैं पक्षी होता, यहां देखो, यदि मैं चिड़िया होता, होता कभी, होता कभी, यदि मैं भालू होता, हाथी होता, चिड़िया होता, पीएम होता, सीएम होता, कुछ भी होते, लाल तो नहीं ना हो। यदि मैं तुम्हारी जगह होता, संभव नहीं है, तो वहां पे वर लगाना या उड, यहां पे सेम दोनों है, यहां पे अंदर दोनों है। बोलो किसी बच्चे के लाइफ में कोई कष्ट चल रहा है? नहीं ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो भी इस कमरे में कदम रख दो सारे कष्ट खत्म। नीचे लिखा नहीं ऊपर, इतना सुंदर देख लो, हिंदी में भी दे दिया ताकि बच्चों कष्ट ना हो। कष्ट निवारण कोचिंग डीएसएल। कोई पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, ज्वाइन करो सारे कष्ट मिट जाएंगे। सर मैं भागता हुआ दिल्ली आ रहा हूं, आ जाओ। सर हम लोग पर पूरा ध्यान दीजिए, पूरा ध्यान है बेटा, पूरा ध्यान है। तुम लोग के लिए मैं पढ़ाता ही हूं, ये तो सामने है, इसके लिए क्या काम करना। एग्जाम्पल देख लो कितना लिखना है। यदि मैं चिड़िया होता तो काश मुड़ता, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो गरीब मिटाता, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया आई वुड इरेडिकेट द पॉवर्टी। यदि मैं राजा होता तो मैं रानी होती, इफ आई वर अ किंग यू वुड बी माय किंग।
तो आज आपका टेंस खत्म हो रहा है पास्ट सिंपल, कल पास्ट कॉन्टिन्यूअस खत्म हो जाएगा कल ही। नीचे एग्जाम्पल है, हिंदी मत खोजना, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है अलग से, राजा वाला नहीं है। हाँ ए हेड का मतलब ही टू है, ध्यान देना। लिखिए ईमानदारी से बोलो, इस तरह से टेंस कभी तुम लोग पढ़ा था ना? इस तरह से नहीं पढ़ा होगा। अब मिल गया ना बढ़िया। अब औरों से बेहतर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको आजमाना है तो तुम 10 लोगों से, जितना तुम्हारा मित्र मित्रा है कोई कहीं पढ़ता हो, तुम टेंस में अब चैलेंज ले सकता है, टेंस चैलेंज ले सकता है। अब टेंस में तुम किसे नहीं हारेगा, जितना वो पढ़ा होगा ना, जितना पेज में उसका दुगना तेरे पास होगा, जितना नॉलेज रखता होगा उसे तुम दुगना नॉलेज होगा। और अब तुम जीत सकता है, एक रास्ता अपनाना पड़ेगा एग्जाम की तैयारी करते हो तब, और वो रास्ता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज कॉल्ड स्किल, और ये जो मैं दे रहा हूं वो थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, मतलब प्रैक्टिकल पर थ्योरी में दे रहा हूं। अब इसी को बारंबार बारंबार करोगे तो क्या हो जाएगा, वो स्किल बन जाएगा। बस में पा रहे हो ना? अब तुमको डर खत्म, प्रीवियस प्रीवियस ले लो, अब डरो मत। वो अब प्रीवियस प्रीवियस मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम में कोई भी पब्लिकेशन ले लो, और उसमें क्या प्रचार करूं, किसका नाम लेके, मैं अपना भी दे ही रहा हूं तुमको। मेरे पास जो कॉमन एरर है उसमें का प्रीवियस है, क्लास में तुम लोगों को पूरा करवाऊंगा प्रैक्टिस पूरा, 10-15 क्लास खाली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, समझो ना? तो उससे दिक्कत नहीं तुमको होगा, यहां से बाहर अंग्रेजी होने नहीं दूंगा मैं, समझ रहे ना? करना है प्रैक्टिस 5-7 दिन बाद, आ जाइयो बैच में 11 बजे, आ जाइयो 10 बजे, आज घर में आज ही हो, पूरे बैच में खाली प्रैक्टिस पर चलेगा। SSC, CPO, MTS, UPS, जितना भी एग्जाम हो सब के लिए यहां भी कराऊंगा तुम लोग। अभी 11 बजे, 10 बजे अभी तो 11 बजे है ना, जब होगा तुम लिख लिया इसको, बोलो डाउट है लाइफ में, आगे बढ़े तुम लोग। हाँ अगला देखो, समझो पहले इसको क्या मामला, उतारो मत पहले। यहां पे कुछ एक शब्द है, शब्द क्या भाई, इट इज टाइम, टाइम इज वॉय, इट कर देना इसको, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, 4-5 वर्ड है ना जी, इस चारों का हिंदी होता है यही समय है, यही ये सबका हिंदी होता है समय हो चुका है, सबका हिंदी होता है ऑलरेडी लेट। ऑलरेडी लेट सबका हिंदी होता है ऑलरेडी लेट, मतलब जैसे मान लो किसी को 10 बजे ट्रेन पकड़ना है और 9:30 बजे तेरे से बतिया रहा है तेरे पास, तुम क्या कह रही है, इट इज राइट टाइम टू कैच द ट्रेन, तुम लेट हो गए हो, अब ट्रेन पकड़ना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, मतलब समय हो चुका है, मतलब अब तुम अगर रुके तो ट्रेन गया, मतलब तुम ऑलरेडी लेट हो, अब तुम निकलो। इसका हिंदी 3-4 यही समय है, समय हो चुका है, इट इज राइट टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम टू स्टडी। अब तुम फॉर्म भर दिया, अभी डेट नहीं है एग्जाम का,
थोड़ा मस्ती कर लो। डेट भी आ गया, अभी तुम्हारा मई चल रहा है, तुम्हारा डेट दिया अगस्त सितंबर का, मई जून जुलाई अगस्त, 4 महीने पढ़ूंगा, फिर बचता है 2 महीना पढ़ूंगा, 1 महीना, अरे यार पढ़ना है, दिमाग खराब। फिर दिन बीत रहा है, फिर 20 दिन, अब अगले साल, अगले साल चाप दूंगा, 1 साल तैयारी करूंगा अगले साल। मन हो गया ढीला, अगले साल पढ़ा, आनंद जोश में आ गए। कब पढ़ना है? हाँ फॉर्म निकलेगा तो ना भरूंगा, अब एग्जाम बीत गया सब, इस बार ना तैयारी जम के कर रहा हूं, अगले साल टॉपर, इस बार मैं अगले साल टॉपर। एग्जाम निकल गया, फॉर्म कब निकलेगा जी? फिर वही हाल, करता था तो क्यों किया, कर कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए, करता था तो क्यों किया, अब जो कर दिया तो क्यों पछता रहा, फिर शुरू करो। तो 98% लोग जो कहा था ना, यही होता है, हर समय क्या करेगा, टाल देगा, समझा? चलो वापिस, यही समय है, समय हो चुका है, ऑलरेडी क्या हो तुम, लेट हो। तो इन सब के साथ जैसे ही इट इज हाई टाइम राइट टाइम आ जाए, क्या प्रयोग करना, इसको कर सकते हो, सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग सिंपल पास्ट कर सकते हो, 2+V1 भी कर सकते हो। यहां तक बात समझ में आया तो बोलो। ज्यादातर प्रयोग कौन होता है सर? ये वाला, कौन वाला? सिंपल पास, ये बीच वाला स्पीकिंग में चलता है, एग्जाम में तुमको ये पूछेगा, फॉर को और प्लस 2+ में लगा सकते हो। ये मैं बोनस दे दिया, ऊपर नीचे बोनस है, पढ़ना कौन सा है? बीच वाला, एग्जाम में तुमको यही पूछेगा, 2+1 तो बोल चाल में, इट इज टाइम टू रीड, यही समय है पढ़ने का। लेकिन इसके साथ एग्जाम में क्या पूछेगा वो ध्यान देना, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस V3, बोलो क्या करोगे, बिना पूछे ब्लंडर है, काट देना उसको, यानी अगर ये कभी आ जाए तो सीधा काटना बेटा, यानी हैज हैव हैड तो भूल से भी आएगा ही नहीं। हाँ ये ध्यान देना, ये तीन बीच वाला दो ट्रिपल गुड लगा हुआ, ये तो सब सही है, इट इज हाई टाइम भी मिलेगा, इट इज राइट टाइम मिलेगा, इट इज टाइम भी मिलेगा, इसमें कोई इशू है नहीं। ठीक है, तो उतार लिया इसको, बोलो पहला एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, राइट है, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ब्लंडर के साथ मिस्टेक नहीं आता, इसको सुपरफ्लूस कहते हैं, हम लोग बोल देते हैं ब्लंडर मिस्टेक, लेकिन ब्लंडर के साथ मिस्टेक बढ़ने की, ब्लंडर अपने आप में गलती है, फिर मिस्टेक क्या, हाँ रिटर्न बैक नहीं होता ना, हाँ वैसी, तो टीचर बोलता है तो उसको काटो, इट इज हाई टाइम टू, हाँ बोल सकते, टू प्लस वही था ना, ये तो सही है ना। एग्जाम में क्या पूछेगा, बीच वाला, अगर पूछे तो कोई पूछे अलग बात है, लेकिन मैं हाईलाइट उसके पास, ठीक बेटा यहां तक, और इसी के साथ सिंपल पास्ट खत्म हो गया,
चलते चलते एक ऐसी नॉर्मल सा है, लिख लो, कोई दिक्कत है नहीं, लिख लो जो लिखना है। ये नीचे वाला कोई रूल नहीं है, ऐसी कोई शब्द है इसको लिख लीजिए। ये शब्दों का प्रयोग सिंपल पास्ट के साथ साथ सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। हाँ, एक रूल नहीं है, बस ऐसी है। एग्जाम्पल जो चाहिए लिख लो। सर एग्जाम्पल तीन में हैज है तो काट दो बेटा, एग्जाम्पल तीन में है वह काट दीजिए फटाफट। जहां गलती है गलती करिए, ये गलती है। इट इज टाइम सब सही है, इट इज टाइम टू सही, इट इज टाइम। हाँ गलती स्ट्रक्चर तीन देखो क्या है, टाइम फॉर यू टू गो होम सही है, इट इज प्रॉपर टाइम फॉर अस टू डू लीव सही है, सब सही बेटा। हाँ हाँ प्रॉपर टाइम जा सकता है। हाँ टाइम से संबंधित जितना वर्ड आ जाए, इट इज प्रॉपर टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, देख लेना एग्जाम में क्या आता है, होने कुछ भी हो सकता है। इट इज के बाद टाइम आना चाहिए, देखना दो वो अलग से उतार लिया तक। चलिए लिखो लिखो आराम से लिखो। ठीक है, नीचे वाला स्ट्रक्चर ऐसे ही बोनस में दे रहा हूं, इसको तुम छाप लो। ऑलवेज जनरली सेल्डम नेवर ऑफन एवरीडे एवरीवेयर थ्री नाइट इट इज आर यूज इन सिंपल पास्ट एज वेल एज सिंपल प्रेजेंट। तो इन शब्दों का प्रयोग सिंपल की हैबिट दिखाता है, तो सिंपल प्रेजेंट के साथ साथ सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग कर सकते हो, सिंपल पास्ट के साथ साथ सिंपल प्रेजेंट। तो इसमें कोई नियम कानून नहीं है, बस ऐसी है। यू ऑलवेज सपोर्टेड मी, यू ऑलवेज सपोर्ट मी, दोनों सही होगा। हमेशा करता है करता था, तो जितना प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में था वो सारा प्रयोग सिंपल पास्ट में हो सकता है। जितना प्रयोग सिंपल पास्ट में है वो सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट में था वो सिंपल पास्ट में भी हो सकता है, बस ये ध्यान रखिए। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट दोनों पैरेलल चलता है की जगह था हो जाएगा। टेल अ लाइफ फ्रेज है, फ्रेज का मतलब फिक्स होता है, जैसे स्पीक द ट्रूथ उस तरह से टेल अ लाइफ। क्लियर? तो इसी के साथ अटेंस क्या हो गया, समाप्त। ठीक है, इसको दिखाना ऊपर में कॉमा दिया है, लिटरेचर तो इसको अलग किया हुआ, इससे इससे इसको बाइफरकेट किया हुआ, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाला होगा, सिंगल कॉमा। क्या लिखा है? क्लटरिंग क्रिएचर्स दे फ्लैप फ्लॉप एंड अवे दे गो क्लटरिंग क्रिएचर्स। अच्छा, ये लगता है कि कोई पोएम टाइप का है, पोएम टाइप का, तो पोएम का अलग ही मीनिंग होता है। हाँ, इसका इससे क्यों पढ़ रहे हो उसको, इसका गाइड ले लेना, किसी बच्चे को पढ़ाना है। हाँ, अरे ना ना ना, ये सब लिटरेचर नहीं पढ़ना, आप सब लिटरेचर पढ़ना ही नहीं है,